हरियाणा के करनाल में टोल प्लाजा के समक्ष कृषि बिल के विरोध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काला झंडा दिखा रहे किसानों पर वहां के एसडीएम के निर्देश पर पुलिसिया लाठीचार्ज में एक किसान की हुई मौत के खिलाफ झारखंड राज्य किसान सभा के आह्वान पर लतेहार झारखंड राज्य किसान सभा में कामता में सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाया। सभा में किसान विरोधी मोदी, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसानों पर लाठी गोली चलाना बंद करो के नारे लगा रहे थे। इसके पूर्व पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए किसान के प्रति एक मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त किया गया। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अयूब खान ने कहा कि करनाल में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इसमें एक किसान की मौत हो गई है और दर्जनों किसान घायल हैं, कई के सर फूट गए हैं। पुलिस ने बावर्ता पूर्व किसानों पर लाठियां बरसाई हैं। हरियाणा में किसान करीब एक साल से केंद्रीय कृषि बिलों का विरोध जता रही है। इस पुलिस कार्रवाई से देश के किसानों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है और कहा कि किसानों पर यह कार्रवाई अलोकतांत्रिक और अमानवीय है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को होता है। वहां के एसडीएम द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज करने और सिर फोड़ने के आदेश देना एक आईएएस अधिकारी के भाषा निंदनीय है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का व्यवहार जनरल डायर जैसा है। जो अत्याचार हरियाणा पुलिस ने किसानों पर किया है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान सभी अत्याचार का हिसाब केंद्र सरकार से लेगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार को किसान और जन विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि इसके लिए हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। मोदी सरकार के ही कारण आज अन्नदाता किसान लाठी खाकर अपनी जान गंवा रहे हैं। केंद्र सरकार की किसान व आम जनता विरोधी नए कृषि बिल के खिलाफ तथा किसानों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन और तेज करने का आह्वान किसानों से किया है। सभा में करनाल एसडीएम को बर्खास्त करने, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने, लाठीचार्ज में शामिल पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की है। इस प्रदर्शन सभा में किसान दरबान खान, मुन्ना खान, आलम खान, तहमीरा बीबी, इसाद खान, आशगर खान समेत कई किसान शामिल थे।